बच्चों, ये है हमारी डे 11 एंड 12 की वर्कशीट, हमारी संख्याओं से खेल गणित की वर्कशीट में। देखो, प्रश्न एक दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाएं। अब ये देखो, हमने आखिरी बार भी बढ़ती क्रम में संख्याओं को मिलाया था, वहाँ पे नंबर जो है हमारी संख्याएं लगातार दी हुई थी। यहाँ पर देखो, हमारी संख्याएं लगातार नहीं दी हुई, हमें बस यहाँ पर चुनना है कौन सा नंबर किससे ज़्यादा है और उसको मिलाते जाना है। देखो, दो से ज़्यादा कौन सा नंबर है हमारी यहाँ पर, चार। चार के बाद कौन सा संख्या ज़्यादा है, छः। छः से मिला देंगे। छः के बाद देखो, इसके बाद कौन सी संख्या है सबसे ज़्यादा, आठ। तो हम आठ से मिला देंगे। अब आठ के बाद देखो कौन सी संख्या है बढ़ते क्रम में, दस। दस से मिलाएंगे। दस के बाद कौन सी संख्या है, तेरह। 11 12 तो है नहीं, 13 है। 13 के बाद देखो बच्चों, 15। 15 के बाद कितनी है, 17। 17 के बाद देखो यहाँ पर 20। 20 के बाद कितनी है, 25। 25 के बाद कितनी है, 28। 28 के बाद कितनी है, 35। फिर कितनी है, 40। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि कौन सी संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दो, हर बॉक्स की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। आप पहले इन संख्याओं को देखो, कौन कौन सी हैं, 5 8 12 17 3। इनमें से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखो, पहले आप देखोगे 3, 3 छोटी है, 5 8 12 17, तो कितनी है हमारी, 17। अब ये देखो, 14 18 22 15 4, इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखो। आप गिनती कर सकते हो कि भाई सबसे पहले हमने जहाँ तक गिनती पढ़ी है, 4 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15 आता है, फिर 18 आता है, आखिर में 22 आता है। इसका मतलब क्या है, 22 सबसे बड़ी संख्या है, आप इस पर गोला लगाएंगे। अगला देखो, 9 17 7 23 38, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आती है बच्चों, हमारी आती है 38। अगले देखो, 39 18 17 35 27, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 39। अब आगे देखते हैं, ये देखो, चिन्हों को समझते हुए हल करो। हमने कल भी जो है आपको उंगलियों पर गिनना सिखाया था। अब ये देखो, पहले हम लाइनें खींच कर करते थे, अब हम उंगलियों से करेंगे। देखो, दो में हमें 7 जोड़नी है, ठीक है, तो उंगलियों पे पहले दो गिनो, 1 2। अब इसमें 7 और जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के यहाँ तक आया। अब यहाँ तक टोटल गिनो, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। अब ये अगला देखो, 3 में आपको 1 जोड़ना है, पहले उंगलियों पे 3 गिनो, 1 2 3, और 1 गिनो, 1, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 4। अब ये अगला प्रश्न देखो, 13 में 26 जोड़ने हैं, तो सबसे पहले इकाई स्थान वालों की संख्याओं को जोड़ो। 3 पहले उंगलियों पे गिनो, 1 2 3, और 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए कुल, अब पूरे कुल गिन दो, 6 यहाँ तक हुए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 9। अब 1 और 1 2, कितने हुए कुल, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 3। अब ये देखो, अब तक हमारी सिंपल वाली माइनस थी, सिंपल वाली घटा थी। अब ये देखो, 48 में से आपको 39 घटाने हैं, तो 8 में से तो 9 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, ये क्या करेगा, 8 जो है बराबर वाले से उधार ले लेगा, तो यहाँ पर जो 8 क्या हो जाएगा, 18। और इसके पीछे वाली जो संख्या होगी, ये जो है एक नंबर से कम हो जाएगी, तो 4 है तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। अब आप 18 काउंट करो उंगलियों पर और उसमें से 9 घटाओ, कितना आएगा हमारा, 9। और 3 में से अगर 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। अब ऐसे ही 7 है, 7 में से 8 तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, पास वाले से, इससे साइड वाले से, हमेशा बाएं वाले नंबर से उधार लेते हैं, तो बाएं वाले से लेगा, तो ये 7 है तो 17 होगा, 8 है तो 18 होगा, 9 है तो 19 होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3। तो 17 में से 8 गए, 17 में से 8 घटाओ उंगलियों पे, ऐसे ही 17 काउंट करो और इसमें से 8 घटा दो, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 9। और 3 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा हमारा, 0। अगला देखो, ये जो है ना, ये गुना का चिन्ह होता है, आपने टेबल से याद करिए ना, पहाड़े याद करें, तो यहाँ पर 4 को 5 से गुना करना है। 4 पंजे कितना होता है बच्चों, 4 पंजे होता है
20। आगे देखो, नौ तीय कितना होता है, नौ एकम नौ, नौ दूनी 18, नौ तीय 27, कितना होता है 27। अब ये देखो, दो को ये जो है ना निशान, ये भाग का निशान है, यानी आपको इसमें भाग करना है। दो को, दो के पहाड़े में सॉरी, ये देखो छः कितने पर आता है, दो एकम दो, दो दूनी छः, दो दूनी चार, दो तीया छः, तो दो तीया छः। अब छः में से छः घटा दो, कितना आएगा, ज़ीरो। ठीक है, फोर में, फोर की टेबल में एट कहाँ पर आता है आपको, फोर की टेबल पता है, फोर वन सा फोर, फोर टू ज़ा एट, चार दूनी आठ, तो दो से जाएगा ये आठ, और इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या आ जाएगा ये, ज़ीरो। अब अगली आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं, देखो, मेरे पास 6 रुपये थे, 3 रुपये पापा ने और दे दिए, बताएं अब मेरे पास कितने रुपये हो गए। आप खुद सोचो, आपके पास कुछ पैसे थे और पैसे आपके पापा ने दे दिए, तो आपके पास कुल कितने होंगे, आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 6 में आप 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, वो ही उंगलियों पर गिनो, 6 में आप 3 जोड़ोगे, क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। प्रश्न 6 में देखो, राधा ने दुकानदार से 3 पेन खरीदे, यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो बताएं कि राधा दुकानदार को कितने रुपये देगी। देखो, 3 पेन खरीदे हैं, एक पेन की कीमत बच्चों 2 रुपये है, तो 3 पेन की कितनी कीमत होगी। अगर हमारे पास एक के बारे में चीज़ें दी हुई हों, ज़्यादा के बारे में निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 3 को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 की टेबल आप 2 तक गिनो, 3 2 6, तो क्या आएगा यहाँ पर, 6, यानी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6 रुपए देने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, एक टोकरी में 8 केले थे, उसमें से 5 केले बेच दिए, तो टोकरी में अब कितने केले बच गए। देखो, 8 केले थे उसमें, और उसमें से 5 केले बेच दिए, तो कितने होंगे, हमें घटाने, 8 में से 5 घटा दो, आपको मिलेगा बच्चों 3, कितना मिलेगा, 3। अब ये देखो, 6 मीटर रस्सी को, एक रस्सी है 6 मीटर की, ठीक है, उसे 2 बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो बताएं प्रत्येक टुकड़ा बीच में से बांटना होगा, 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे ना, तो बताएं प्रत्येक टुकड़ा कितने मीटर का होगा। जब हमारे पास ज़्यादा के बारे में नो इन्फॉर्मेशन हो और कम के बारे में, यानी एक के बारे में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, भाग। तो 6 को 2 से भाग दे दो, तो 2 की टेबल में देखो 6 कितने पर आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 6, 3 पे आता है इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, तो यानी प्रत्येक टुकड़ा हमारा कितने होगा, 3 3 मीटर का होगा। आशा करती हूँ आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप अपने हाथ से भी खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।